नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जंगल में ही रहता हूँ और जंगल के नए नए रंग नए नए रूप हर वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूँ। दोस्तों, जैसे जंगलों में आजकल तो सड़कें बनी हुई हैं, एटलीस्ट बफर एरियाज में तो सड़कें पूरी तरह से बनी हुई हैं। कोर एरिया हुआ, डार्क कोर एरिया हुआ, इनमें तो सड़कें नहीं होती। इनमें जो सड़कें होती भी है ना, तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ही होती है, हम लोगों के लिए नहीं होती। लेकिन जो सड़कें होती हैं बफर की भी, उसमें भी ना दो तरह की सड़कें होती हैं। एक तो होती है जो बिल्कुल रेगुलर मेन रोड है, उस मेन रोड से टच होते हैं कुछ गांव, तो वो जो गांव होते हैं ना दोस्तों, उनमें एटलीस्ट गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, ये सब कुछ होता है। और वो तो मेन रोड होती हैं तो गाड़ियाँ चलती भी हैं, रात को भी चल जाती हैं। एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी तो रात को भी चलती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सड़कें जंगल की ऐसी होती हैं जहाँ पे मतलब कोई ना बाहर का मेन ट्रैफिक नहीं चलता, जो भी ट्रैफिक चलेगा गांवों का ही चलेगा। मतलब जैसे ये सामने की तरफ ये गांव बना हुआ है, देखो एक गांव दिख रहा है छोटा छोटा, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बड़ा सुंदर सा नज़ारा है, यहाँ से नीचे नदी है, चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत सही, एकदम ठंडा सा माहौल, साफ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा है खड़ा होना। तो जो मैं बात बोल रहा था कि इन सड़कों पे जो गाड़ियाँ चलती हैं ना दोस्तों, वो गाड़ियाँ चलती हैं सिर्फ और सिर्फ इन गांवों की सप्लाई की। तो गाड़ियों की जो आवागमन रहता है ना इन सड़कों पे, बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स को ये फ्रीडम रहती है या इस एरिया में कि वो दिन में भी कई बार कम्यूट करते हैं, दिन में भी इधर उधर दिख जाते हैं। और जैसे कि अभी तो शाम का समय होता जा रहा है, थोड़ा सा ये जो समय हो रहा है दोस्तों, 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के आसपास का समय है, तो मूवमेंट का टाइम भी शुरू होगा अभी थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम ना इस रोड को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो रोड है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये रोड ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जा रही है बेताल घाट की तरफ, और ये जो एरियाज हैं ये सारे बफर एरियाज हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो एनिमल्स हैं ना दोस्तों, यहाँ पे सारी मूवमेंट होती है। मतलब कोर टाइगर टेरिटरी, लेपर्ड टेरिटरी है ये एरियाज। गाँव के एक भाई जा भी रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर अपना ट्रांसपोर्ट ना हो ना, अपना कन्वेंस ना हो बंदे पे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से। और जैसे दिन है तो ये टू व्हीलर वगैरह यूज़ भी होते हैं, रात भी रात को कोई नहीं आता है टू व्हीलर लेके, और ना ही आना चाहिए ना पैदल ना टू व्हीलर, क्योंकि दोस्तों जंगली जानवरों का पूरा दबदबा रहता है ऐसे जोन में। आप हर तरफ देखेंगे, हर तरफ एक जैसा सा ही माहौल है, सिलेक्टेड ही घर है। तो चलिए दोस्तों, इन गांवों को भी एक्सप्लोर करेंगे, इस रोड के जितने गांव हैं उनको भी देखेंगे और ब्यूटीफुल नज़ारे भी देखेंगे, और प्लस वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे कि किस तरह की मूवमेंट होती है, ताकि हम नाइट ड्राइव में इस रोड को डेफिनेटली इंक्लूड करें, क्योंकि यहाँ एनिमल साइटिंग का दोस्तों काफ़ी हाई चांस है, काफ़ी हाई चांस। दोस्तों, अगर आप जंगल से जुड़ी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं और इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो नेचर से जुड़ा हो, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हो और जंगलों से जुड़ा हो, तो जरूर जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हैं चैनल की रीच बढ़ती है, तो वीडियो को लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जंगल की जिस रेंज में मैं इस टाइम हूं, ये एरिया वाकई में बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। गाड़ी बिल्कुल ना के बराबर ही है इस पे दिन में भी, तो रात में तो रेयरली कोई गाड़ी आती होगी, रेयरली। और अभी हम जैसे रोड से आए हैं, सपोज हम मोहान से हम कंपेयर करें या मोहान से कैलकुलेट करें, तो जैसे हम यहाँ से रोड से आए हैं ना, तो रोड से तो हमें हो गया होगा अभी तक मोहान से 20 किलोमीटर। लेकिन जिस तरह की इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है दोस्तों, जिस एरिया में अभी हम हैं ना, मोहान से मैक्सिमम 10 किलोमीटर है ये रिवर के रास्ते से। और जो जंगली जानवर होते हैं ना दोस्तों, वो थोड़ी करते हैं रोड का इस्तेमाल, कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो टाइगर है तो टाइगर थोड़ी करेगा रोड का इस्तेमाल। टाइगर करते हैं रिवर वाले रास्ते का इस्तेमाल। जैसे कि जो रिसर्च हुई थी, गवर्नमेंट रिसर्च अपना करके पब्लिश करती है पेपर, तो उसमें लिखा भी हुआ था कि इन्हीं प्लेन्स का जिक्र था वो, इन्हीं एरियाज का जिक्र था वो, जो मैं बता रहा था ना पहले, कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आने वाले समय में ये रिवर के जो प्लेन्स हैं इसके एरिया में हमेशा टाइगर रहेंगे ही रहेंगे, और लेपर्ड को परेशानी होगी, लेपर्ड को यहां से जाना पड़ेगा। तो ये वही वाला एरिया है, क्योंकि 10 किलोमीटर तो टाइगर के लिए कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ टाइगर और लेपर्ड दोनों का है। एरिया वाकई में नाइट ड्राइव करने लायक है दोस्तों ये वाला। जैसे कि हम नाइट ड्राइव पे चलते हैं तो दो तरह की लोकेशन होती है। एक लोकेशन ऐसी होती है जहां सिंगल एक गाड़ी ले जाके नाइट ड्राइव हो जाती है, ये दो गाड़ी लाने वाली नाइट ड्राइव है, मतलब तो दो गाड़ी लगेंगी इस पे। कहीं किसी गाड़ी में दिक्कत आ जाए तो उसे रिकवर करने के लिए गाड़ी होनी चाहिए साथ में, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड तो चलती नहीं। अब आप देख लो दिन में नहीं चल रही, रात में क्या ही चलेगी फिर। बाकी जंगल एकदम सुहाना सुंदर, बस मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस जगह बाहर खड़ा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ नहीं होता, होता है तो एकदम से हो जाता है यहाँ। बाकी आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सही लग रहा है ये लोकेशन, बड़ी सही लगी। जो अनएक्सप्लोर्ड जगह पे ड्राइव्स वगैरह करना पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी जगह है ये। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम इस रास्ते से बढ़ रहे थे आगे की तरफ, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो देखिए हमें जंगल में बकरियां मिली। और भैया ने बताया जिनकी बकरियां हैं, कंडारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। भैया ने बताया कि ये 48 हैं। जी जी 48। तो भैया जैसे आप यहाँ जंगल में बिल्कुल ऐसी लकड़ी चरा, ये बकरी चरा रहे हो, तो लगता नहीं आपको डर? डर तो लगता है सर, हमारे ये रोजी रोटी है सर, करेंगे, बैठ के भी करेंगे घर में। हाँ ये बात है, ये भी बात है जी। और जैसे आप बता रहे थे इधर टाइगर लेपर्ड की मूवमेंट बहुत रहती है, चलते रहते हैं शाम को 5 बजे के बाद रोड में भी दिखाई देता है। 5 बजे के बाद ये दिख जाते हैं, 5:30 बजे के बाद कहीं रोड में यात्रा अपना खाने के लिए रोजगार वो भी रोड पे आ जाता है, ढूंढता रहता होगा जी जी। क्योंकि यार पता है ये जैसे आप बकरी लेके चल रहे हो ना, ये भी थोड़ा सा खतरनाक ही काम है मेरी नजर में। सुबह 5-10 बजे निकल जाते हैं घर से तो शाम को 5 बजे पहुंचते हैं, ये भरोसा नहीं घर पर पहुंचे या ना पहुंचे। हमारे पास कोई ऐसा चीज भी नहीं है कि जो हम इसको अटैक कर सके, हथियार वगैरह जी जी। तो इधर की तरफ दिख जाता होगा वो आराम से, कई बार दिखे, कई बार नुकसान कर दिया बकरी ले जाता होगा जी जी। ये आपने दराती लिए हाथ में? सुरक्षित के लिए ले रखे, बकरी छोड़ के हम पे या कोई चीता मिल जाता है जंगल में उससे लड़ने के लिए बकरी को पकड़ लेता है चीता, जमीन पे रहता है जो, उसके लिए पकड़ रखा है टाइगर जी। ना टाइगर लेपर्ड नीचे वाला चीता बोलते हैं जिसको, सांप जैसा नहीं होता है, स्पॉट बने हुए ना, वो तो चलने वाला सांप होता है, चीता होता है गजरू पे। अच्छा सांप, अच्छा ये बकरी को ले लेता है। अच्छा बड़े बड़े जानवर, अजगर 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 बोलते हैं, अजगर अजगर अजगर। कई बार सोतमो को मिल जाता है बकरी को पकड़ लेते तो उसको छुड़ाने के लिए, उसकी बकरी की जान बचाने के लिए उसकी भी जान लेनी पड़ती है हल्की फल्की कटपट करके। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी चीज आगे आगे जब तो अपने को बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि वो जो बाघ है वो चकते वाला होगा, एक तो डब्बे वाला है हाँ, और एक लंबी पूंछ पतली कमर वाली होती है धारी, वो रात को 8 बजे के बाद यात्रा करता है धारी वाला आता है। हाँ जी धारी वाला, तो मतलब वही है ना एरिया, तभी तो गया ये। अब ये रोड से तो मोहान से आओ तो लंबा लगता है जी जी। लेकिन नदी के रास्ते तो मोहान पास ही है, यहाँ से मोहान दूर तो है नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर है यहाँ रोड के रास्ते से ना जी जी। और नदी से आधा ही होगा ये, कम से कम 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर आपने आपकी बकरियों पे हमला कई बार कर दिया? कई बार, अजगर नहीं दो बार नहीं छुटा, कई बार छुटाने में कामयाब हो गए, कई भी छुटाने में कामयाब नहीं हुए, पत्थर के अंदर घुस जाते लेकिन। और कभी लेपर्ड से सामना हुआ? कई बार हाथापाई भी हुई एक बार उससे, लेपर्ड के साथ जी जी जी। बकरी की टांग पकड़ी थी, अच्छा रगड़ के मेरे को यहाँ से लेके वहाँ तक ले गया खींच के। हाँ फिर उसके बाद वो हटना पड़ा उसको, हटना पड़ा। सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो इंसानी माना जाता है, उसको भी अपनी जिंदगी प्यारी है। अच्छा कहीं भूले भटके में आदमी पुलवामा रहे तब जाके वो आदमी को वार कर सकता है सर, एकदम वार नहीं करता कभी कोई भी चीज हो, सबसे खतरनाक इंसान होगा पीछे से ही करता है वो ज्यादातर वार ना, आगे से एकदम वार आपका तो सामने बकरी की वजह से हो जाता है जी जी। तो इन बकरियों के चक्कर में फिर लेपर्ड तो मेरे को लग रहा है घरों में भी आ जाता है, घर में भी आ जाते हैं, शाम को कुत्तों को उठा के ले जाते हैं। आदमियों पे तो हमला नहीं करता? ना ना वो आदमी वाला अलग शहर में मिलेगा आपको, कहाँ से जाएंगे टाइगर टॉप है वहाँ से नीचे को ढिकुली से वहाँ से नीचे आदमी को वार करने वाला पहाड़ों में नहीं मिलता है, जहाँ वो आदमी कभी अचानक में कोई आ गया तभी ऐसा ना। यहाँ पे छोड़ते ना कॉर्बेट वाले जी,
वही नुकसान करता है पहाड़ में औरतों पे, आदमी पे, बच्चे जो जंगल में जाते हैं, ये छोड़ते हैं यहाँ से ले जाते हैं अगली जगह छोड़ देते हैं, वो नुकसान करता है। तो आपने इधर किसी आदमी पे कभी इन्होंने हमला किया है? कई बार हो गया था, कहीं बच्चों को उठा के ले गए, कई औरतों को, बच्चों को भी और आदमियों को भी घर से उठा के लेके गए। दोस्तों वैसे एक बात तो है इस रोड पे कि जब से हमें वो भाई साहब मिले हैं ना बकरी वाले, जिनकी अभी आपने वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें सुनी, उसके बाद यहाँ कोई दिखा नहीं है हमें दोबारा, मतलब पॉपुलेशन यहाँ काफी कम है। और वैसे अगर हम लोकेशन की बात करें तो दोस्तों नेचर्स ब्यूटी एट इट्स बेस्ट, कितना सुंदर, और कोई खास ज्यादा दूरी नहीं है मोहन से, कोई कुछ भी दूरी नहीं है। लेकिन जैसे अब मैं ये इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जैसे मोहन में कितनी भीड़ रहती है, डिकुली में कितनी भीड़ रहती है, और वाइल्ड लाइफ तक भी देखनी कई बार मुश्किल पड़ जाती है गाड़ियों की आवागमन की वजह से, और यहाँ नाइट ड्राइव भी पॉसिबल है, मतलब किस तरह के एरियाज हैं। लेकिन यहाँ कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इस टाइम पे कोई डेवलप नहीं है, कोई मिली नहीं, मतलब ऐसे होगी तो कम होंगी। तो देखिए कितना सुंदर एरिया, नदी के पास, बहुत ही सुंदर, ठंडक, मतलब कहते हैं ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाना बंदे की, ऐसी जगह तो यहाँ बढ़ी जाएगी लाइफ। काफी अच्छा लगा इस एरिया में आके, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ड्राइव करते करते आज तो हम पहुंच गए बेताल घाट तक। ये बेताल घाट वाला एरिया है, ये सामने बेताल घाट ही है। जय बेतालेश्वर महादेव। ये एरिया मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि एक तो यहाँ पॉपुलेशन भी है तो पूरा वाइल्डनेस से भरपूर, लेकिन पॉपुलेशन भी है, एक लिमिटेड पॉपुलेशन है, सुकून है, और पेट्रोल पंप तक भी है यहाँ। जैसे कि दोस्तों पहाड़ों पे पेट्रोल पंप बहुत मुश्किल से मिलता, जंगलों के एरिया में पेट्रोल पंप बहुत मुश्किल से मिलता, तो पेट्रोल पंप भी है यहाँ। बहुत ही सही मतलब लोकेशन बनी आज तो। और अब जैसे कि शाम हो गई है ना तो एनिमल्स की मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी, मतलब होने के चांसेस हैं, दिखने के चांसेस हैं, मूवमेंट तो 100% शुरू हो जाएगी लेकिन दिखने के चांसेस हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे कोई चलते हैं आज इस रोड पे बिल्कुल आज इस रोड पे बिल्कुल लास्ट तक पहुँच जाना है हमने, घूमते घामते। अब मेरे को समझ आया दोस्तों कि यहाँ के लोग ये क्यों कहते थे जब मैं भतरोज खान की तरफ जाता था कि यहाँ टाइगर है, टाइगर है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यहाँ लेपर्ड है, तो लेपर्ड ज़्यादा है, वो कह रहे हो टाइगर है, टाइगर है, तो वो क्यों कहते थे, समझ आ गया मेरे को कि ये मैंने ये वाली रोड नहीं देखी थी नीचे वाली, कि इधर की तरफ से ही टाइगर की मूवमेंट होती होगी क्योंकि रिवर वाला एरिया है ना, और मोहन सामने की तरफ ही है, लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए यहाँ से टाइगर निकल जाते होंगे इधर को, एनिमल्स की मूवमेंट इधर इसलिए है, टाइगर की मूवमेंट जो है, लेपर्ड तो यहाँ बहुत है, टाइगर की मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो अब मेरे को समझ आया कि भतरोज खान में ये क्यों कहते हैं कि भतरोज खान में टाइगर है, इसलिए है वो। चलो चलते हैं, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है दोस्तों, मौसम एकदम फुल चिल्ड हो गया, शाम होते एकदम ठंडा हो गया, और देखो ऊपर घास भी काट रही है एक महिला। दोस्तों यहाँ की हर लोकेशन इतनी सुंदर, इतनी स्वच्छ है कि वाली बात है ना कि इसे भी कैमरे में कैद कर लूँ, इसे भी कैमरे में कैद कर लूँ, ऐसी वाली लोकेशन है। एकदम सुंदर, हर जरूरत के सामान, मतलब जरूरत का सामान अवेलेबल है यहाँ, बेताल घाट ही है दोस्तों ये भी, हर जरूरत का सामान यहाँ अवेलेबल है, ऐसे मतलब दुकानें वगैरह भी हैं, छोटे मोटे बैंक भी बने हुए हैं, छोटे मोटे इन द सेंस लाइक छोटी बैंक, जितनी जरूरत है उतने बैंक बने हुए हैं, मतलब बिल्डिंग उतनी बड़ी है कि जितने की ज़रूरत है, दुकान में ही 2-3 दुकान जोड़ के एक बैंक सा बना हुआ है, तो ऐसे करके बैंक भी बने हुए हैं। तो अच्छी जगह है, मतलब पहाड़ के हिसाब से डेवलप्ड है, पेट्रोल पंप भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का आई कांट टेल यू, लेकिन
सुकून है। मतलब देखिए किस तरह से घर बने हुए सामने जंगल में, एक सुकून है दोस्तों यहाँ। चलो शाम हो गई, अब जंगल की तरफ ही बढ़ते हैं, शायद कुछ किस्मत में साइटिंग हो। दोस्तों ये सामने की तरफ जंगल का एक गांव खैरना आ रहा है, खैरना, और खैरना के बाद काफी डेंस फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। दोस्तों बेताल घाट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो मैं आने वाले व्लॉग्स में दे दूंगा आपको बेताल घाट के बारे में, लेकिन एक बात बता दूं मैं बेताल घाट के बारे में, बेतालेश्वर महादेव का मंदिर है वहां, हर हर महादेव, वो बात तो है ही, लेकिन वहां पे सुपर नेचुरल पावर्स का भी है उस जगह से एक संबंध, सुपर नेचुरल पावर्स का, भूत प्रेत कह लो या जो जिस शब्द से उसका उच्चारण कर सके, वो सुपर नेचुरल पावर्स का भी बेतालेश्वर महादेव या बेताल घाट से संबंध है। दोस्तों अगर बात हो रही है ना सुपर नेचुरल पावर की, तो चलो मैं आपको ना एक बात बताता हूं कि जैसे ढिकोली है, ढिकोली, अब आपने देखा होगा ढिकोली में तो दुनिया भर के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, अभी लास्ट टाइगर अटैक भी ढिकोली में हुआ था, बड़ा दर्दनाक एक घटना घटी थी, लेकिन ढिकोली में दुनिया भर के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, फाइव स्टार होटल तक, ताज तक बना हुआ है ढिकोली में। दोस्तों एक जगह है उसका नाम है चुड़ैल डाट, आप नाम से सुनना, नाम से समझना कि उस जगह का नाम है चुड़ैल डाट। दोस्तों चुड़ैल डाट जो जगह है ना ढिकोली में, सन 2011 तक और पुराने समय से लेके, जैसा इसका नाम है ना चुड़ैल डाट, वो घटनाएं वहां टाइम टाइम पे होती रही हैं। पुराने टाइम में जब ढिकोली डेवलप नहीं हुआ था ना, लोग डरते थे उस एरिया से, चुड़ैल डाट से। आज तो लोग 12 बजे 1 बजे खूब गाड़ियां चलती हैं, लेकिन उस जगह का जो नाम है ना, बड़े बुजुर्गों ने कोई भी चीज, दोस्तों बड़े बुजुर्ग जो है ना हमारी भारतीय संस्कृति में, बड़े बुजुर्गों की कही हुई कोई बात गलत नहीं साबित होती, अब वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती कई बार, वो बात एक अलग है, लेकिन चुड़ैल डाट अगर उस जगह को उन्होंने नाम रखा था ना, तो चुड़ैल डाट ही है वो। 2011 तक भी वहां पे एक लास्ट इंसिडेंस हुआ है जिसमें किसी ने एक लेडी को सजे धजे जंगल की तरफ बैठे हुए देखा है, और उसके बाद वो भागा है, भाग के कूदा है, और फिर उसके हाथ पैर टूटे हैं। तो दोस्तों बेतालेश्वर महादेव की बात आई तो मैंने ये चुड़ैल डाट वाली बात भी आपको बताई, क्योंकि जंगल का हर पहलू, हर रंग आप लोगों के साथ शेयर करना मेरी एक्सपेक्टेशन भी रहती है और कोशिश भी रहती है। चलिए दोस्तों जो भी होता है अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूं, आगे का फॉरेस्ट, आगे की रात, ये सब अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, हर हर महादेव।